हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनश, आप देख रहे हैं हम सब प्रोडक्ट में जैकटेक। तो फ्रेंड्स, आज के दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम डिसेबल अकाउंट से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो जब डिसेबल हो जाता है तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है, अपील फॉर्म को सबमिट करने का ऑप्शन, जिससे क्या है कि आप जो है इंस्टाग्राम टीम से कनेक्ट कर सकें और अपनी जो है प्रॉब्लम जो है, मतलब आपका जो अकाउंट डिसेबल हुआ है उसको रिकवर करवा सकें। तो इसमें दोस्तों क्या है, काफी सारे लोगों के मेरे पास मेल्स आए, इंस्टाग्राम पर कमेंट आए, यूट्यूब वीडियोस में मेरी, कि उसमें सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई आपने जो फॉर्म हमें दिया है, जो जिस फॉर्म से हमारा अकाउंट जो वो रिकवर होता है इंस्टाग्राम की तरफ से हमें दिया जाता है कि इस फॉर्म को सबमिट करें, तो वहां पर क्या है उस फॉर्म का रिप्लाई नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में ये जो फॉर्म है, काफी सारे फॉर्म्स यहाँ पर आते हैं इंस्टाग्राम डिलीट और डिसेबल अकाउंट को रिकवर करने वाले। तो उसमें दोस्तों काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई जब हम इसमें इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, हमारा फॉर्म तो सबमिट हो जा रहा है, बट यहाँ पर क्या है कि हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा है। एक एक महीना हो जाता है लोगों को यहाँ पर रिप्लाई नहीं मिलता है। मेरे साथ भी दोस्तों यही हुआ, मेरे पास काफी सारे अकाउंट्स ऐसे पड़े हुए हैं जो कि डिसेबल हैं, जो कि लोगों ने मुझे दिए हैं बट उनके रिप्लाई नहीं आ रहे थे। तो मैंने दोस्तों ये वीडियो लेट इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा सर्च किया यहाँ पर यूट्यूब पर और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म पर, और मैंने खुद यहाँ पर ट्राई किया। एंड में मुझे दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा फॉर्म मिला, ऐसी जो है अपील फॉर्म मिली इंस्टाग्राम की, जिससे आप सबमिट करते हो तो आपका जो रिप्लाई है वो 101% 74 hours के अंदर आपको इंस्टाग्राम की तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा। अब इस रिप्लाई से क्या होगा, आपका अकाउंट जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट अगर आप पूरी वीडियो को देखते हो, अगर स्किप नहीं करते हो तो ही आपको रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज आप दोस्तों वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट फॉर्म सबमिट करने जाओगे तो आप यहाँ पर फॉर्म को अच्छे तरीके से सबमिट नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद दोस्तों मुझसे बोलोगे कि यहाँ पर भाई तूने गलत फॉर्म हमें बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया है, मतलब इस फॉर्म को मैंने काफी ज्यादा बार सबमिट करने की कोशिश की और यहाँ पर इस फॉर्म का रिप्लाई 101% आता है, मैंने खुद ट्राई किया है। तो इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको चलना पड़ेगा हमारे यहाँ पर फोन की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलते हैं हमारे फोन की स्क्रीन पर। अगर दोस्तों आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल सके। और आपको कोई भी इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई बटन पर आपको ऊपर जो है इंस्टाग्राम की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ज्यादातर एरर्स को सॉल्व किया है मैंने उस प्लेलिस्ट में, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी ऊपर जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी बात करते हैं आज के माई टेक की शुरुआत। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर, और अब यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आपको वो अपील फॉर्म जो उसको किस तरीके से सबमिट करना है। तो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में एक ब्लू कलर का लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम अपील फॉर्म का, तो आपको सिंपली उसमें उसको क्लिक करके उस पर इस पेज पर आप आ जाओगे। किसी भी ब्राउज़र में आपको उसे ओपन कर लेना है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मेरा खाता निष्क्रिय था, आपको जिस तरीके के पेज पर आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन पहला मिलेगा, क्या इस अकाउंट का उपयोग किसी व्यवसाय उत्पादक या सेवा लोगों के लिए किया गया था। कि इसका मतलब ये कि आपका जो अकाउंट था, अगर यहाँ पर वो बिजनेस अकाउंट था और आप उसे किसी बिजनेस अकाउंट के तौर पर यूज़ करते थे अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना, अदरवाइज नहीं पर। तो मेरा जो अकाउंट था, मेरे फ्रेंड का जो डिसेबल है तो वो पर्सनल अकाउंट था तो हम नहीं पर क्लिक कर देते हैं। तो अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पूरा नाम, सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम दे देना है, फर्स्ट नेम मैंने दे दिया। देन नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपका उपयोगकर्ता नाम, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, पूरा नाम। तो यहां पर काफी सारे लोग, यहां पर ये पता नहीं होता है कि हमारा जो अकाउंट का नेम है और जो यूजर नेम है उसमें क्या अंतर होता है। तो मैं यहां पर आपको अपने अकाउंट में दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पर आपकी आईडी में जो यहां पर इस साइड में जो नीचे की साइड में नाम होता है वो होता है आपके अकाउंट का नेम, और यहां पर ऊपर की साइड में जो होता है वो होता है यूजर नेम। तो यहां पर ये डिफरेंस होता है, यहां पर जो यूजर नेम होता है और जो अकाउंट का नेम होता है उसमें। तो आपको यहां पर यूजर नेम ये होता है और यहां पर आपका जो यूजर नेम होता है वो ये होता है, और आपका अकाउंट का जो नेम होता है वो ही होता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या मांगा है, उपयोगकर्ता यूजर नेम। तो आपको सिंपली जो भी आपके अकाउंट का यूजर नेम था उसको डाल दीजिए, और फर्स्ट वाले में आपके अकाउंट का नेम मांगा, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर यूजर नेम डाल देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का नेम डालना है। देन नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल आईडी का, तो यहाँ पर आपको आपके अकाउंट से जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर थी उसको डाल दीजिए। और अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी आपके अकाउंट में रजिस्टर नहीं थी तो आप अपने फोन में जो भी ईमेल आईडी है उसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आप कौन से देश से लिख रहे हो, तो आप जिस भी कंट्री के हो यहाँ पर
उसको डाल दिए। तो मैं सिंपली इंडिया में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पर इंडिया पर डाल दिया। उसके बाद आपको सिंपली कर देना है भेजे पर क्लिक। आप जैसे यहाँ पर भेजे पर क्लिक कर देते हो, यहाँ पर देख लीजिए हमारी सबमिट जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। देन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको ओपन करूँगा। और यहाँ पर जब मैंने परसों अपनी जो इस फॉर्म को जो है वो सबमिट किया था, और यहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर जो इंस्टाग्राम टीम है फेसबुक की तरफ से रिप्लाई मिल गया था। तो 101% ये जो फॉर्म है वो वर्क करता है और आपको यहाँ पर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जब ये रिप्लाई मिल जाए, ये कोड मिल जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। अगली वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आपने जब ये फॉर्म सबमिट कर दिया, आपके पास रिप्लाई भी आ गया यूट्यूब टीम का, आपको कोड भी मिल गया, अब आपको यहाँ पर आगे का क्या करना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और यहाँ पर अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा इस फॉर्म को किस तरीके से सबमिट करना है। और यहाँ पर इस फॉर्म का 101% रिप्लाई ज़रूर मिलता है। 74 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई 101% मिलेगा और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो। तो यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि डिलीट अकाउंट कभी भी रिकवर नहीं होता है। अगर आपने आपका अकाउंट जो है वीडियो सेंड करने की वजह से डिसेबल हुआ है, आपने कोई पॉर्न वीडियो या चाइल्ड पॉर्न वीडियो अगर सेंड किया अपने फ्रेंड के पास या अपने अकाउंट में अपलोड किया, तो उस तरीके का अकाउंट कभी भी रिकवर नहीं होता है। और दूसरे तरीके से अगर आपका अकाउंट डिलीट हुआ है या डिसेबल हुआ है तो वो रिकवर हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपका अकाउंट वीडियो सेंड करने की वजह से डिसेबल हुआ है तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है, अकाउंट रिकवर नहीं होगा। मगर अगर किसी और वजह से हुआ है तो आप ट्राई कर सकते हो, इस फॉर्म को सबमिट करोगे 101% ये फॉर्म जो है वो वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल बनना सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर सकते हो, आईडी के लिए हम डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम यहां पर डिस्प्ले पर शो जाएगा, तो फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है यहां पर डायरेक्ट जो है आकर डीएम कर सकते हो, मैं 101% सब लोगों का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।